हेलो गाइस, मैं के पांडे और आप देख रहे हैं के फाइनेंस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग फॉर स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अभी अभी हम कोरोना वायरस से बाहर निकले हैं और कोरोना वायरस ने हमें एक शिक्षा दी है कि हमें एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो अब बात आती है दूसरा इनकम कैसे जनरेट करें। तो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट सीख करके एक दूसरा इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एक सेमी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये हम कर सकते हैं कि आज ही खरीदेंगे, आज ही बेचेंगे, सस्ते रेट में खरीदेंगे, महंगे रेट में बेच करके हम मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, हम आज खरीदेंगे, 6 महीना 3 महीना के अंदर जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो उसको बेच करके हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक हम कंटिन्यू इन्वेस्टिंग जारी रखेंगे, जिससे बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। उस बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक रूल्स होता है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, वो होता है 50-30-20। 50% अपने सैलरी का नीड्स पे खर्चा करना चाहिए और 30% वांट्स पे और 20% सेविंग में। इस 20% सेविंग को आप अलग अलग जगह निवेश कर सकते हैं, FD, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। FD में ब्याज दर बहुत कम होता है, जिससे हमारे जीवन के खर्चे पूरे नहीं किए जा सकते हैं। तो अब ऑप्शन बचता है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड वो होता है, जैसे हमें रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, भविष्य में उसमें ग्रोथ दिख रहा है और रिलायंस कंपनी का एक स्टॉक का कीमत है 2500 रुपये और 2500 रुपये हमारे पास नहीं है तो हम रिलायंस कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करें। तो हम क्या करते हैं, 500 रुपये हमारे पास है, 500 किसी और के पास है, 500 किसी और के पास है, इतने सारे लोग मिलकर हम म्यूचुअल फंड कंपनी को वो पैसा देते हैं और उन सारे पैसों से वो रिलायंस कंपनी में या किसी अदर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक मैनेजर होते हैं जो कुछ फीस लेते हैं और वो हमारे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब होता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट, स्टॉक मार्केट डायरेक्ट। स्टॉक मार्केट में हम अपने दिमाग के हिसाब से एनालिसिस करके, रिसर्च करके, अच्छी कंपनी को चुन के उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई फीस नहीं लगता, ओनली GST और टैक्सेस चार्जेज लगते हैं। टैक्सेस चार्जेज और GST म्यूचुअल फंड में भी लगते हैं, लेकिन वहाँ के मुकाबले यहाँ कम लगते हैं। दोस्तों, यदि किसी अच्छी कंपनी में, जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हों या बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं या लोगों की जो नीड्स होती है, उस कंपनी में हम सीप वाइज करके जब जब उस इंट्रेंसिक वैल्यू पे आए उसके शेयर्स, या काफ़ी ज़्यादा रेट गिर जाए उस समय हम उसके शेयर्स खरीद के रख लेते हैं। ऐसे करके के काफ़ी बार मौका मिलता है जिसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो उसमें हमें डिविडेंड का प्रॉफिट होता है जो हमारे डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और दूसरा जो शेयर्स के रेट बढ़ते हैं वो भी हमारा प्रॉफिट होता है। डिविडेंड किसे कहते हैं? जब कंपनी को मुनाफा होता है तो कंपनी उस मुनाफे में से शेयर होल्डर्स को, आपका हिस्सा जितना बनेगा आपके इन्वेस्टिंग के हिसाब से, उतना पैसा मुनाफे में से, नेट इनकम में से हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ये पहला प्रॉफिट, दूसरा स्प्लिट और बोनस, और तीसरा जो स्टॉक के प्राइस बढ़ते रहते हैं, इतने सारे प्रॉफिट मिलता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने से। दोस्तों, हमें कंपनी में किन-किन चीज़ों को जांच पड़ताल करके निवेश करना चाहिए? दोस्तों, पहली चीज़ देखनी चाहिए रेवेन्यू, कंपनी कितने का कारोबार कर रहा है साल में। ये 5-7 सालों का चेक करें, पीछे 5-7 सालों का, उसमें ईयर ऑन ईयर उसकी रेवेन्यू बढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी बढ़ते हुए रहना चाहिए। दूसरा आता है नेट इनकम, कंपनी का जो नेट इनकम है वो भी कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ते रहना चाहिए।
तीसरा होता है उसका कर्ज, कर्ज जो है वो कम होते रहना चाहिए। और पांचवा होता है कैश फ्लो, यानी कंपनी के पास जो कैश है वो कितना है, या कर्जे में डूबी हुई है। यदि कर्जे में डूबी हुई है तो बहुत दिक्कत है, या फिर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, उसकी जो नेट इनकम है उससे कम कर्जा होना चाहिए। नेट इनकम से वो कर्जा को कभी भी चाहे तो फेंक दे, इतना ही कर्जा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को पी रेशियो 20 से कम होना चाहिए जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन 5-6 चीज़ों को चेक करके यदि आप किसी कंपनी में सिप वाइज इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से बहुत लोग डरते हैं, जबकि डर हर जगह कायम है। आप मान लो किसी स्पीड गाड़ी से जा रहे हैं तो आप ग्रोथ करने के लिए जा रहे हैं स्पीड में, क्योंकि आपको वहाँ जल्दी पहुँचना है, उस काम को जल्दी पूरा करना है, उसमें बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी हम स्पीड में जा रहे हैं, स्पीड में यहाँ स्टॉक मार्केट में एक ही खतरा है, खतरा ये है यदि कंपनी बंद हो गई तो लॉस के चांसेस हैं, इतनी रिस्क है। और यदि हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो हाथ पैर टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। रिस्क ज़िंदगी में हर जगह पे है, तो रिस्क से क्या डरना, जहाँ रिस्क है वहाँ रिवार्ड है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिजनेस की, कंपनी की, मैनेजमेंट की अच्छी परख और पहचान होनी चाहिए, और ये सीखने से हासिल किया जा सकता है। और दोस्तों, कंपनी में पूरी दुनिया के अमीर आदमी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक इन्वेस्ट करती है, LIC इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, बड़े बड़े जो मिलेनियर बिलेनियर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कंपनी रहते हुए भी दूसरे कंपनी के स्टॉक खरीद कर इन्वेस्ट करती हैं, तो हमें भी करना चाहिए यदि आगे बढ़ना है तो। सैलरी पे, नौकरी पे कब तक डिपेंड रहा जा सकता है? एक आदमी थे जिन्होंने सन 2000 में SBI बैंक में 5 लाख रुपए FD किया, और दूसरा आदमी 5 लाख रुपए का SBI बैंक का शेयर खरीदा। 2020 में FD वाला 5 लाख रुपए 40 लाख रुपए हुए, और जिन्होंने 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे SBI बैंक के, उनके डिविडेंड्स मिलाकर 10 करोड़ रुपए हो गए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि FD में और स्टॉक मार्केट में कितने का फ़र्क है। ऐसी बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं सीप वाइज करके, थोड़ा थोड़ा करके, तो आप 15-20 सालों में आपकी इन्वेस्टिंग इतनी हो जाएगी कि आप घर बैठे सैलरी पा सकते हैं डिविडेंड्स द्वारा, आपके सैलरी से कहीं ज़्यादा डिविडेंड्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। दोस्तों, एक आदमी थे जिनके 2 लड़के थे, वो दोनों लड़के यंग हो गए और अब जॉब करने के लिए बाहर जा रहे थे, यानी जॉब ढूंढने के लिए जा रहे थे। उनके पिताजी ने अपने दोनों लड़कों को 50-50 हज़ार रुपये दिया कि शायद तुम्हारी कुछ ज़रूरतें होंगी, तुम इनसे ले लेना। छोटा वाला लड़का आइसर मोटर्स का बुलेट गाड़ी खरीदने गया, बाइक। उस समय सन 2000 में 50 हज़ार के समथिंग बुलेट बाइक आती थी, उसने 50 हज़ार रुपये में बुलेट बाइक खरीद ली। बड़ा वाला लड़का भी गाड़ी खरीदने ही गया था, लेकिन उसके विचार बदल गए। उसने क्या करा, आइसर मोटर उसी कंपनी का, जिस कंपनी का बुलेट गाड़ी था, आइसर मोटर कंपनी का, उसी कंपनी के 50 हज़ार के शेयर खरीद के रख दिए। दोस्तों, 2020 तक, उससे पहले ही वो बुलेट गाड़ी पता नहीं कितने का तेल पी गई, कितने की सर्विस चार्जेज लग गए, और वो कबाड़ हो गई, ख़त्म हो गए। और वो जो 50 हज़ार के शेयर्स उनके बड़े लड़के ने ख़रीदा था, आज वो खरबों का हो चुका है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि एक लायबिलिटीज और एक स्टॉक मार्केट में निवेश करने से कितने बेनिफिट हो सकते हैं।
मैं आपको इन माध्यमों से समझाना चाहता हूँ, रिस्क से ना डरें। जब जब मार्केट डाउन जाए तब तब दिवाली मनाएं, इन्वेस्ट करें और अपना वेल्थ बढ़ाते रहें। दोस्तों, दिवाली नज़दीक है और इस शुभ अवसर पे आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। कई कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में, वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा मौका हमारे सामने खड़ा है। पहला टाटा पावर, दूसरा है एमरॉन राजा बैटरी और तीसरा एक्साइड बैटरी, बजाज कंज्यूमर केयर। इन कंपनियों में आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब कंपनियां इंट्रेंसिक वैल्यू में मिल रहे हैं। आने वाले 10, 20, 30 सालों में ये कई हजारों के स्टॉक्स हो जाएंगे और आपका वेल्थ क्रिएट करके देंगे। दोस्तों, पिछले 50 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी ने जितना ग्रोथ किया है, उतना ग्रोथ या उससे अधिक ग्रोथ आने वाले 9-10 सालों में हमारे देश में होने वाला है। पूरी ग्लोबलाइजेशन चेंज होने वाला है, सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज होने जा रही है। एक्साइड बैटरी और एमरॉन राजा बैटरी इस समय इंट्रेंसिक वैल्यू में उचित प्राइस पर मिल रहा है, आप उसमें इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। आने वाले 10 सालों में एमरॉन बैटरी हो सकता है 30,000 का हो जाए, इस समय 600-700 रुपये का मिल रहा है। दोस्तों, बजाज कंज्यूमर केयर भी इंट्रेंसिक वैल्यू में मिल रहे हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन भी इंट्रेंसिक वैल्यू में मिल रहा है। इन स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा पावर गाड़ियों को चार्ज करने वाले स्टेशंस बनाने जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें भी इन्वेस्टिंग का बहुत अच्छा मौका है। इन कंपनियों में आप इन्वेस्टिंग शुरू करें। मैं डिस्क्रिप्शन में जिरोधा और अप स्टॉक का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट लगाकर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट जो होता है वो हमारा गवर्नमेंट के पास खुलता है और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास खुलता है। ब्रोकर आपका अप स्टॉक और जिरोधा है और सेविंग अकाउंट तो आपके पास होगा ही। दोस्तों, जो हम शेयर खरीदते हैं, जो किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं, वह शेयर गवर्नमेंट के पास रखा होता है, कोई डरने वाली बात। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्टॉक मार्केट सीखने से रिलेटेड कुछ बुक्स के लिंक भी दूंगा, आप वो भी मंगाकर पढ़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट की नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जिरोधा में यदि आप अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ फ्री कोर्स उपलब्ध है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं और अपने जीवन में सेकेंड अर्निंग सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उन्हें सीखकर एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सरकारी कंपनियों में निवेश करके डिविडेंड भर भर कर आप पा सकते हैं। जो 5-10 साल आपने कंटिन्यू इन्वेस्टिंग करी तो आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिविडेंड आपके सैलरी के रूप में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। दोस्तों, ये तोहफा था आने वाले दिवाली का मेरी ओर से, के फाइनेंस पॉइंट चैनल की ओर से। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, इन्वेस्टिंग शुरू करें, ये बहुत अच्छा अवसर है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।